या ऑलराइट मेट्स वेलकम बैक तो सीमैट 2023 फाइनली इतने दिनों के डिले के बाद सीमैट का एग्जाम 4 तारीख को हुआ एंड uh, मेरा सेंटर जीएस राइसोनी लगा था नहीं नहीं वो वाला नहीं जिसमें लास्ट टाइम रात के 1:00 बजे तक एग्जाम चला था दूसरा वाला उसी का भाई है ये जीएच राइसोनी बिजनेस स्कूल तो अब तुम लोग कितनी भी बुराई कर लो इसकी लेकिन एक बात तो है यार रायसोनी चाहे कितना भी सिटी के बाहर क्यों ना हो यार लड़कियां बहुत आई मीन इंटेलेक्चुअल एंड टैलेंटेड आती है एंड सीमेट का क्राउड आई मस्ट टेल यू सीमेंट का क्राउड अलग ही होता है यार देख के ही दिल खुश हो गया सारा एक सेम टाइप का क्राउड ऐसे आपको देख के ही लगेगा कि दिस क्राउड बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ द सोसाइटी डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यही ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का क्राउड देखते हैं तो वॉट यूल फाइंड इज कि आपको एक कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ बच्चा मिलेगा एज वेल एज यू विल सी अ गाय हु केम फ्रॉम विलेज जो मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ है यू कैन फाइंड अ फाइनल ईयर स्टूडेंट जो ऐसे ही एग्जाम दे रहा है कि क्या पता तुक्के लग जाए यूल सी अ मिडिल एज मैन गिविंग अ एग्जाम जिसके बाल झड़ चुके हैं ट्राइंग टू गेट सेटल्ड इन लाइफ विथ इज लास्ट अटेप इतनी डाइवर्सिटी देखने मिलती है देख के ही ऐसा लगेगा तुमको कि क्या यार कितनी बेरोजगारी है देश में दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ अर नेशन की सोसाइटी स्टैंडर्ड्स जगह पास सौ होते हैं लेकिन अप्लाई तीन लाख लोग करते हैं ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज लेट होने पर एग्जाम सेंटर के गेट पे आए हर्ड एंड अंकल से वॉचमैन कि बीस बीस लाख रुपए के बच्चे हैं ये बीस बीस लाख रुपए भर के एम बी ए करेंगे अगर आप अंदर नहीं जाने दोगे ना तो मैनेजमेंट से बात कर लेंगे लेकिन एम करके रहेंगे बीस लाख के बच्चे अंकल दैट्स नॉट समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ दे रहे हैं हम लोग ले नहीं रहे uh, और जैसे 20 लाख बोला ना उन्होंने साइड में ऐसे किसी के पापा खड़े थे उनका फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया एकदम से सैड हो गए वो कि साले बताया नहीं तूने मुझको कि 20 लाख फीस है सीट ही दे देता एनीवेज सेंटर वॉज एवरेज एंड एक सेकेंड वॉट विद दिस पैंट वाई इज एवरीबडी वेयरिंग दिस इज दैट ड्रेस कोड और समथिंग ओबिया इज एक्सट्रीमली गुड प्लीज कंटिन्यू वेयरिंग दैट इट्स खूब 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 खरच खूब छान है ओके एनी वेज तो सीमा ऐट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बहुत टाइम पास करता हूँ उन्होंने आई एम सॉरी तो सीमै एट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वॉज अ लेंदी मीडियम लेवल पेपर विथ क्वांट ऑन अ लिटिल डिफिकल्ट साइड एंड अ लॉजिक ऑन अ बिड ट्रिकी साइड ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं था इट वॉज सेम एज दैट ऑफ द लास्ट ईयर पेपर इट्स जस्ट दैट के डिफिकल्टी लेवल्स

गला सकाडी लेट होते म्हणून असज ब्रश करून आली एंड शी वाज़ लाइक मम्मी सो क्यूट यार आई लव व्हेन पेरेंट्स कम टू ड्रॉप देयर किड्स बहुत लकी हो यार तुम लोग एनीवेज तो दैट वेर द प्रॉब्लम्स इतने ही प्रॉब्लम्स थे नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पेपर इट वाज नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सीमेट पेपर इनफैक्ट द इनोवेशन जीके एंड इंग्लिश सेक्शन वे आर वेरी इजी अकॉर्डिंग टू मी बट लेवल अप हुआ है डेफिनेटली लेवल अप हुआ है कंपेरेटिवली टू द लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी बट नो नीड टू वरी वरीस कट ऑफ विल नॉट वेरी मच इट विल बी सिमिलर ओनली आइडियल अटेम्प्ट आई थिंक शुड बी एटी फाइव टू नाइनटी प्लस जे बी वुड बी अराउंड थ्री फोर्टी टू थ्री सिक्सटी लास्ट ईयर थ्री सिक्सटी फाइव पे क्लोज हुआ था आई गेस नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन जीरो वुड बी अराउंड थ्री फोर्टी टू थ्री फिफ्टी नाइनटी नाइन आई वुड बराउंड थ्री हंड्रेड वुड वुड बी बी अराउंड अराउंड एंड टू इससे नीचे जाओ मत क्योंकि बकवास कॉलेज मिलेगा और इतनी फीस दोगे तो मतलब नहीं है लेट्स टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन अब जस्ट बिकॉज क्वांट्स हार्ड था आई थिंक क्वांट विल एक्ट एज अ गेम चेंजर बिकॉज बाकी सब तो सबका अच्छा गया ना यार क्वांट्स में जिसने आउट परफॉर्म किया होगा ही वुड बी डेफिनेटली गोइंग टू अ गुड कॉलेज क्वांट्स में परसेंटेज टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क एवरेजेस प्रोबेबिलिटी पूछा था जोमेट्री वॉज ऑल्सो एस्ट इफ यू स्कोर 60 हियर इन क्वॉन्ट्स इट वुड बी ग्रेट अब सलाजिंग में देर वॉज नो पजल लेकिन स्टिल इट वॉज लेंदी कोडिंग डी कोडिंग डायरेक्शन साइंस ब्लड रिलेशन सीरीज असर्शन वाले भी काफी क्वेश्चन थे आई डोट थिंक थोड़ा ट्रेक था लेकिन इट वॉज डूएबल वर्बल वॉज रिसेंट इनफ यू कुड हैजी स्कोर्ड गुड मार्क्स इन वर्बल ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे थे मोस्टली इंग्लिश uh, में ग्रीक या लैटिन भाषा से डिराइव uh, होता है वर्ड लेकिन इट वॉज फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज ओके क्लोज लॉ एंड लॉ देख के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया वो सारी चीजें पता चाहिए थी जो भी आपके काम की नहीं है अनलेस यू आर एंडलूर एग्जाम सेंटर इवन द बुक्स एंड ऑथर्स वेर आस्कबल डेफिनेटली आई लाइक करंटली इज नो सच थिंग सच एज नॉर्मलाइजेशन थोलाइजेशन मैं बट आई थिंक होगा एंड द बेस्ट ऑफ यू विल लैंड इन जेबीआई एंड अनादर गुड कॉलेजेस रिजल्ट आई गेस टेन टू फिफ्टीन डेज में आ जाना चाहिए सीमेट का रिजल्ट डिले नहीं होता है जल्दी आ जाता है सो या दैट सी मैट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फॉर यू गाइज अब जिनका सी टी है कल प्लीज अपनी आदत थोड़ा सुधार लो क्योंकि सीमेंट ने आपका टाइमिंग खराब कर दिया होगा यू वुड बी एट अ वेरी स्लो पेस जस्ट बिकॉज सीमेंट में आपको बहुत टाइम मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीईटी में यू जस्ट हैव फोर्टी सेकंड टू सॉल्व वन क्वेश्चन आज एक मॉक दे, दे सकते हो तो दे दो इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ लेकिन आपका टाइमिंग सुधरना चाहिए ओके ऑल्सो वेरी बिग शाउट आउट आउट टू आर सब्सक्राइबर हिमांशु मेट मी एट द एग्जाम सेंटर बोले सी टिकिंग बोला हाँ सी टिकिंग थैंक यू यार मेरे दोस्तों के सामने तुमने मेरी इज्जत बना दी एनी वेज ऑल द बेस्ट फॉर एम बी एस सी टी एवरीबडी अच्छे से पढ़ाई करो राइट सो दैट्स इट फॉर टुडे टूडेबडी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा रहा आपका सीमेट का एग्जाम एंड वॉट आर योर फ्यूचर प्लान्स अगर सीमेट नहीं होता है तो यू इन द नेक्स्ट वीडियो अब हम मिलते हैं सी ए टी के री एग्जाम के बाद वहां पे तो स्लॉट नहीं है एक ही एग्जाम है तो इसके बाद उसका रिव्यू करेंगे सी एप